Former Bihar DGP Gupteshwar Pandey is in the eye of a storm after his voluntary retirement request was accepted in a matter of hours. Is speaking. या मेरे वीआरएस को देख रहे हैं, आपके मन में भी यही सवाल होगा. इसका मैं सीधा सवाल जवाब देता हूं, आप सुन लीजिए कि सुशांत के केस से मेरे वीआरएस का कोई लेना देना नहीं है. मैं इसका बिल्कुल तर्कपूर्ण आपको जवाब देता हूं. सुशांत के साथ जो भी मुंबई में हुआ और उसका बूढ़ा बीमार लाचार बाप यहां रहता है और मैंने उस हताश निराश बूढ़े बाप जो मुंबई पुलिस के अनुसंधान से बिल्कुल ही हताश था, निराश था और उसको न्याय की उम्मीद नहीं थी, वो मेरे यहाँ आता है और यहाँ बिहार पुलिस ने जो एफआईआर किया, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर ठप्पा लगा दिया है कि वो काम बिल्कुल संवैधानिक था, कानूनी था, उसमें कोई गलत काम बिहार पुलिस ने नहीं किया, इसलिए इस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता. अनुसंधान करने के लिए टीम गई, इस पर किसी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है कि उसमें कोई भी गैर कानूनी काम नहीं था. मेरी अनुशंसा पर बिहार सरकार ने सुशांत वाले मामले को जो सीबीआई को सौंप दिया, उस पर भी हल्ला हुआ कि अधिकार ही नहीं है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में ये भी एस्टैब्लिश कर दिया कि जो भी बिहार सरकार ने ये काम किया सर्वोच्च सीबीआई को केस सौंपने का, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था. हमारे अधिकारियों के साथ बेइज्जती हुई, उसके बाद मैंने हंगामा शुरू किया. हमारे अफसर को क्वारंटीन किया गया, उसके बाद मैंने हंगामा प्रोटेस्ट करना शुरू किया. उसमें कुछ भी गलत नहीं था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा कि जिस तरह से पटना के एक बड़े पुलिस पदाधिकारी को क्वारंटीन किया गया है वो गलत है. तो जो भी मैंने किया एक डीजीपी की हैसियत से, और मैंने वो किया और मैं लड़ा बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार की प्राइड के लिए, सुशांत को न्याय के लिए मैं उस लड़ाई को लड़ा और मामला वो अब सीबीआई अनुसंधान कर रही है. मेरी भूमिका वहीं तक थी, उसमें कुछ नहीं है. बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जोड़ करके देख रहे हैं कि वो सुशांत के मामले को आप इसलिए कर रहे थे कि आपको राजनीति में जाना था. ये वो लोग कह रहे हैं जो मेरे को नहीं जानते. मैं बिहार की माटी का हूँ, गांव के गरीब किसान का बेटा हूँ. मेरे घर में कोई जज नहीं है, कोई कलेक्टर नहीं है, कोई कमिश्नर नहीं है, कोई नेता नहीं है. मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरे बाबा अनपढ़ थे, मेरी दादी अनपढ़ थी, मेरे परदादा अनपढ़ थे, मेरी परदादी अनपढ़ थी. मेरे किसी भी चार पुश्त में कोई स्कूल नहीं गया. मैं पहला आदमी हूं घर से जो 7 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद 8वें साल में जब प्रवेश किया तो झोरा और बोरा लेकर के और दूसरे गांव में जाता था पैदल स्कूल में. गुरुजी बैठते थे खटिया पर बरगद के पेड़ के नीचे, बोरा पर बैठ करके मैंने पढ़ाई शुरू की. और गाँव में न सड़क थी, न बिल्ली थी, न स्कूल था, न अस्पताल था. उस माहौल से निकला हूँ, सेल्फ मेड आदमी हूँ. मैंने जीवन में केवल संघर्ष किया है और संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुंचा. आईआरएस में गया, आईपीएस में गया. मेरे काम करने का तरीका हमेशा आज जो सुशांत को बताइए, मैं जब हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल कमल हियर. होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस लाइक एंड सब्सक्राइब द इंडिया टुडे यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड.